देखो मैं बता देती हूँ, भी NH3 जो होता है वो होता है एमी, ठीक है। NH, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होता है क्या, एमीडो, ठीक है। अगर एक और निकाल दो हाइड्रोजन तो इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तब ये हो जाएगा इमीडो, ठीक है। अब लिखो, ब्रिज लिगेंड कितने हैं, तीन हैं। कौन कौन से हैं, एमीडो है, एसीटेटो है और हाइड्रोक्सो है, ठीक है। तो आप ये तो म्यू लगा के लिखोगे। उसके बाद में कार्बोनिल है, सॉरी कार्बोनेट है, ठीक है। उसके ऊपर दोनों तरफ तीन तीन एमीन जुड़े हुए हैं, तो आप इसको बिस लगा के लिख सकते हो, बिस। आगे क्या लिखोगे, ट्राई एमीन, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी दोनों। ट्राई एमीन, ये इसके आगे वाला मैं नीचे लिख दूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इस तरह से। अब इसके आगे का अगर पोर्शन नहीं दिया हुआ तो आप सीधा इसको आयन लिख दो। ये आयन की फॉर्म में जरूरी नहीं है लिखना, लिख भी सकते, ठीक है। यहां तक हमने किया था नोमनक्लेचर। आज वाली क्लास में हमें क्या लिखना है, म्यू एक ही बार नहीं आएगा, हर लिगेंड के साथ एक बार आता है। अगर आपके लिगेंड सेम है तो आप एक ही बार म्यू लिखो, लिगेंड का नंबर लिख दो आगे, ठीक है। लेकिन अगर लिगेंड आपके अलग अलग है तो आपको म्यू हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि जो एम्फीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो कौन कौन से हैं। एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, उभयतंतुक, जिसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग एटम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे एक होता है थायोसाइनेट, ठीक है, थायोसाइनेट क्या होता है, और एक होता है आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट को किससे लिखते हो आप, ठीक है। एक में क्या होगा, एक में आपका ये सल्फर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और एक में आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, ठीक है। तो अगर आपका इन दोनों में से ये आए कि आपने HCl लिखा है या NCl लिखा है, तो आपको क्या करना है, या तो उसके आगे नाम के आगे, जैसे आपने लिखा थायोसाइनेटो, लिगेंड आया है तो आप थायोसाइनेटो लिखोगे, ठीक है। तो इसके आगे या तो आप क्या करो, थायोसाइनेटो में क्या है, सल्फर है देने वाला, तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, जैसे आइसो थायोसाइनेटो है तो इसको आप इस तरह से लिखो, इसमें ये है देने वाला। और वैसे ऑब्वियस सी बात है कि थायोसाइनेटो और आइसो थायोसाइनेटो में अलग अलग एटम होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है। इसलिए एक होता है जैसे नाइट्रो, नाइट्रो में क्या होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको हम अगर लिगेंड की फॉर्म में लिखते हैं तो नाइट्रो लिखते हैं। अगर यहाँ पे होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ठीक है, तो ये किससे कैसे लिखा जाएगा, ONO की फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरह। तो इसको भी हम नाइट्रो लिख सकते हैं। अगर नाइट्रो लिखते हैं तो इसके आगे लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो ओ, ठीक है। या फिर इसको क्या लिखा जाता है, नाइट्रीटो,
अगर ये नाइट्रेट टू लिखते हो आप, तो यहाँ पर ये ऑब्वियस हो गया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो आपको आगे एटम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नाइट्रो लिखा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है देने वाला। अगर आपको कुछ नहीं दिया किसी भी नाम ने, तो आप ये समझना नाइट्रो अगर दिया हुआ है तो कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, नाइट्रो ओ दिया हुआ है मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, और अगर नाइट्रेटो दिया हुआ है तो वो भी ओके सी बात है कि ये कब लिखा जाता है, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब। ठीक है, आया समझ में? अब लिखो एक एग्जांपल। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिसका नाम आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपका लिगेंड कौन सा है, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एलिमेंट कौन सा है। अगर एक से ज्यादा है तो मतलब वो एम्फीडेंटेट लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड है। अगर उभयदंतुक लिगेंड है तो उसमें से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे सल्फर देता है, सल्फर अगर देता है तो आप इस लिगेंड का नाम लिखोगे और उसके आगे एस लिखोगे, और जितने सल्फर देंगे उतने बार एस लिखना है। दोनों सल्फर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या करेगा, दो बार एस लिखेगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि निकल है, निकल जो है वो ज्यादातर जो स्ट्रक्चर बनाता है, सुनो, निकल जो है वो ज्यादातर स्ट्रक्चर बनाता है स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय। ठीक है, वर्गाकार समतलीय कब बनता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, चार हो। यहाँ पे लिगेंड दो जोड़ रखे हैं हमने, ठीक है, मतलब एक लिगेंड में दो एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे, तो दो लिगेंड में कितने दे देंगे, चार दे देंगे, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों ही सल्फर इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो जब भी इसका नाम लिखोगे लिगेंड का, तो लिगेंड का नाम लिख के थायोसाइनेटो डैश लगा के एस लिखोगे, और वो भी दो बार। पोटेशियम, उसके आगे कॉम्प्लेक्स लिगेंड है इसलिए डाई नहीं, हम बिस लिख रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है इसका, थायो ऑक्सैलेटो। अब नाम हमने थायो ऑक्सैलेटो लिखा है तो वैसे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, लेकिन हमें स्पेसिफाइड करना है कि कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एस और एस इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में मेटल का नाम क्या है, निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, टू। ये नाम होगा बिल्कुल जरूरी, एस एस लिखना जरूरी है। ठीक है, एक जैसे हमने क्या किया लास्ट क्लास में, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ये वाला मैग्नीज, जिसमें दोनों तरफ क्या है, पांच पांच कार्बोनिल है। हमने क्या कहा था, डेका कार्बोनिल, और ये क्या था, बाई मैग्नीट। अगर मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है तो हम उसे क्या लिखते हैं, बाई, बाई से लिखते हैं, बाई मैग्नीट, यानी दो मैग्नीट है जिसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर वैसे हमने जो पहले ब्रिज लिगेंड पढ़े थे उसके अंदर दो मेटल आ रही है
और उसको अगर आप एक साथ लिखते हो तो वहां पे डाई यूज होगा। बाई कहाँ पे यूज होगा, जब आपके मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है तब। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनमें ज्यामिति समावयवता भी मिलती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे मिलता है। एम्फीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 5 एमीन है हमारे पास, एक नाइट्रो है, अगर नाइट्रो लिखते हो तो ओ लिखना जरूरी है, अगर नाइट्रीटो लिखते हो तो ओ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। सिंपल सा है, इसका नाम लिखोगे कैसा होगा, पेंटाएमीन नाइट्रो ओ कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नाम कैसे आएगा इसका, पेंटाएमीन नाइट्रो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सीधा क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये हो गए हमारे, इसके बाद क्या देखना है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उपसर्जक जो यौगिक होते हैं, इनमें ज्यामिति समावयवता मिलती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। ठीक है, ज्यामिति समावयवता कैसी होती है, उसके अंदर अगर हमें नामकरण करना होता है तो उसके फॉर्म कौन कौन से होते हैं, सिस और ट्रांस, है ना, सिस और ट्रांस। अब ये सिस और ट्रांस कहाँ पे होगा, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उस मेटल का वो कितना हो, 4 हो। ठीक है, सिस ट्रांस हम किसके अंदर देखते हैं, जो एल्कीन्स होती है, एल्कीन्स के अंदर हम देखते हैं ई जेड नोमेनक्लेचर या सिस ट्रांस देखा जाता है, कि अगर आपकी ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो एक साइड में है दोनों, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिस होता है। या अगर इसका ई जेड नामकरण करे तो वो वैल्यू होती है जेड की, जब दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में हो। ठीक है, अगर अपोजिट में है तो उसे ट्रांस बोला जाता है या फिर उसे ई से लिखा जाता है। ऐसे ही इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको कि किस तरह से सिस होगा और किस तरह से ट्रांस होगा। तो अगर ये ज्योमेट्री आपको पता है कि ये कंपाउंड आपको किस फॉर्म में मिलता है, तो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा नाम के आगे ये सिस है या ट्रांस है, यानी सिस को सम से और ट्रांस को विपक्ष से, समपक्ष और विपक्ष से लिखा जाता है, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, जैसे निकल कॉपर प्लेटिनम, ये मेटल ऐसी है जिनमें ज्यादातर क्या होते हैं, जो भी कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, वर्गाकार समतलीय होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, अब इसमें बताना है कि सिस है ट्रांस है, कैसे बताओगे, इसमें सिस और ट्रांस का पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे लिगेंड क्या है, सेम है। ठीक है, अगर ये कम से कम एक साइड वाले दो डिफरेंट है तो आप उसमें बता सकते हो कि यहाँ पर सिस होगा या ट्रांस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो हमने एमीन ले लिए और दो हमने फ्लोरो ले लिया। ठीक है, तो अब क्या है, आपको क्या देखना है
इस मेटल के अगर सेम लिगेंड एक साइड में है तो वो हमारा क्या होता है, सिस होता है या समपक्ष होता है, ठीक है। और अगर ये इस तरह से हो, तो ये क्या होता है कि ये दोनों सेम लिगेंड जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, तो इसलिए ये कौन सा होगा, ट्रांस या विपक्ष होगा, ठीक है। इसमें बताओ सिस है या ट्रांस, तो वो क्या होता, सिस होता। ये हमारा क्या होगा, ट्रांस, यानी दोनों ये सेम जो लिगेंड है वो एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखे, इस तरह से लिखे, तो ये हमारा कौन सा होगा, सिस होगा, ठीक है। अब इस तरह से अगर कोई भी नोमेनक्लेचर आता है आपका, तो आपको उसके पूरे के नाम के आगे क्या लिखना है, सिस लगा के उसका पूरा नाम लिखना है। जैसे यही एक कंपाउंड ले लो, इसका नाम लिखो, इसका आपको नाम लिखना है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें भी आगे लिखना है कि ये सिस है या ट्रांस है, तो पूरा नाम लिखो आप फिर बताना। ये नाम होगा इसका कि ये क्या है, सिस है, तो आगे आप लिखोगे सिस या समपक्ष, ठीक है। उसके बाद में एमीन डाइक्लोरो हाइड्रोक्सो क्यूपरेट सेकिल, इसके आगे आयन भी लिख सकते हो क्योंकि आगे का पोर्शन आपको नहीं दिया होगा। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कौन है, ईएम के अंदर, मिथाइलिन डाइअमीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कौन है, दो एलिमेंट है इसलिए हमने दो जगह जोड़ दिया है इसको, एक ही एन को, कौन है, नाइट्रोजन है, दोनों सेम है, यानी ये क्या है, सेम सेम एक साइड आ रहा है, तो ये कौन सा है, सिस फॉर्म है। इसको अगर हम इस तरह से लिखते बनाने से पहले, ये इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये अब क्या है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसका नाम लिखो इन दोनों का,